जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं वहाँ पे दीव लिखा हुआ है, तो मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एंड स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नए वीडियो पे। आज मैं हूँ दीव। आज मैं हूँ दीव की अंदर आया हुआ जो नागवा ब्रिज है वहाँ पे। तो आज मैं आपको नागवा ब्रिज दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। यहाँ से आप देखिए नागवा ब्रिज का कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, और अभी मैं आगे जाऊंगा और आगे जाके आपको जैसे जैसे मैं देखूंगा आपको बताता जाऊंगा। ये मूर्ति देखिए परी की कितनी खूबसूरत लगी हुई है, और यहीं से ही होटलों की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे समुद्र के किनारे बैठने के लिए बहुत ही अच्छी बेंचेस लगाई हुई है। तो लीजिए ये आ गया नागवा ब्रिज का गेट, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी कार या बाइक लेके आए हैं तो यहाँ से आपको आगे जाना होगा। रोड के दोनों साइड बहुत ही अच्छी अच्छी और खूबसूरत होटलें आई हुई है। यहाँ पे होटलें मैंने देखा बहुत ज़्यादा यहाँ पे होटलें आई हुई है। यहाँ पे नागवा ब्रिज में थोड़ा और आगे बढ़ा तो ये होटल देखिए कितनी खूबसूरत है। होटल के सामने की साइड बहुत ही अच्छा गार्डन बना हुआ है, एकदम शानदार यहाँ पे फूल जाल लगाए हुए हैं। यहाँ पे नागवा ब्रिज पहले इतना खूबसूरत नहीं था, मगर अभी बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम हुआ है, अच्छी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। अभी यहाँ पे मेरे पीछे ये काफ़ी यहाँ पे फास्ट फूड की दुकानें आई हुई है। अगर आप तो समुद्र में नहा के थक चुके हैं, यहाँ पे आके आप लोग नाश्ता कर सकते हैं, तो पहले से काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पे हुई है। ये जो अब अभी सारी नाश्ते की दुकान देख रहे हैं वो पहले ऐसी नहीं थी। अभी यहाँ पे सरकार ने सारे नाश्ते की जो दुकानें हैं वो एक साइड ले ली है, और उसे अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके बनाया है, तो आपको एक जगह पे ही सारा नाश्ता मिल जाएगा। ये सड़क भी पहले इतनी अच्छी हालत में नहीं हुआ करती थी, मगर अभी ये सड़क भी काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ पे जो फास्ट फूड की दुकान आई थी, जो यहाँ पे शॉप लगे हुए थे वो मैंने दिखाई। ये जो आपको यहाँ से दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, एक जाएगा दूसरा ब्रिज बन रहा है वहाँ पे, और ये सामने का रास्ता है वो पार्किंग की ओर जाएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको खेलने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे सुविधा की हुई है। समुंदर के किनारे बच्चे खेलने का आनंद ले सकते हैं, और ठंडी छाँव में बैठ के आप यहाँ पे एकदम समुंदर का नज़ारा देख सकते हैं। और ये जो सामने भी दीव लिखा हुआ है वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और एकदम शांत वातावरण, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे समुंदर की लहरें आ रही है। और अभी मैं ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं वहाँ पे दीव लिखा हुआ है, तो मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। अभी मैं आया तो वहाँ पे पहले पानी भरा हुआ था, मगर अब पानी वहाँ से हट चुका है, तो मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं वहाँ जाता हूँ और फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो सारी गाड़ियों को यहाँ पर पार्किंग में ला के यहाँ पर पार्किंग कराया जाता है, और यहाँ से आप देखेंगे तो समुंदर का
व्यू एकदम शानदार और ऑसम व्यू आएगा। यहाँ से समुंदर देखिए, नीला नीला पानी, और यहाँ पे जो लोग नहा रहे हैं मैं वहाँ जाने वाला हूँ और वहाँ जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर पहले मैंने आपको जो पहाड़ी दिखाई वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे रेत है, बहुत ही शानदार मौसम भी है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है और शानदार नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। आप दीव आइए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। काफ़ी साफ़ सुथरा ब्रिज है, तो आप यहाँ पे आइएगा तो आपको नहाने का बहुत ही मज़ा आएगा। रेत और समुंदर का मिलन, काफ़ी खूबसूरत इन दोनों का यहाँ पे संगम हो रहा है। तो फाइनली मैं उस जगह तक पहुँच चुका हूँ जो दीव लिखा हुआ था। अभी मुझसे वो तकरीबन 150 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे ही होगा। अभी मैं वहाँ जाने वाला हूँ और फिर मैं वहाँ जाकर दिखाता हूँ। और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जाना होगा क्योंकि फिसलन वाली जगह है। ये पानी कितना साफ है, और यहाँ पे आप देखिए फिसलन वाली जगह है, तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको संभल संभल के कदम रखने होंगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ एकदम संभल संभल के कदम रख रहा हूँ, क्योंकि फिसलन वाली जगह है तो गिरने का डर तो रहता ही है। अगर आप नीचे गिरे तो यहाँ पे नुकीले पत्थर है जो आपको लग सकते हैं, तो आपको यहाँ पे संभल संभल के कदम रखने होंगे। कितना साफ पानी है, और पानी के अंदर मुझे छोटी छोटी मछलियाँ भी दिखाई दे रही है। तो आखिर फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे दीव लिखा हुआ है, अभी मैं जल्दी ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। इन चट्टानों को देखिए, इस बड़ी चट्टान से टूट के अलग हो चुके हैं पत्थरों भी, एकदम नुकीले हैं, डरावनी चट्टान है। और आप देखेंगे नुकीले पत्थर है एकदम। जो दीव लिखी हुई चट्टान है उसकी ऊपर मैं आ चुका हूँ, और उस चट्टान की अभी मैं पिछले की साइड आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए टूट के कैसे अलग हो चुकी चट्टान है, और यहाँ से मैं आपको पूरा समुंदर का व्यू दिखा रहा हूँ, कितना खूबसूरत यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो मैंने अभी मैंने आपको वो जगह छोटा छोटा आइलैंड दिखाया, ये वाला आइलैंड मैंने आपको दिखाया। जो दीव लिखा हुआ छोटा सा आइलैंड था वहाँ से मैं वापस अभी नीचे आ चुका हूँ। इस ब्रिज को देखिए कितना साफ है, पहले ये इतना साफ नहीं हुआ करता था, मगर अभी बहुत ही साफ है। और अभी जो लोग नहा रहे हैं वहाँ मैं जाके आपको दिखाता हूँ। आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मुझे काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे आज लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे इसका टिकट काउंटर आया हुआ है, यहाँ से आपको टिकट लेनी होती है और फिर आपको यहाँ पर लाइन में रहना होगा। आपका जब बारी आएगी तभी आपको ये लोग दिखाएंगे। यहाँ पे गाड़ियाँ भी है, इस गाड़ी के ऊपर बैठा के आपको जो समुद्र के जो किनारा होता है उसके ऊपर सलाना होता है। काफ़ी यहाँ पे एक्टिविटी है, आप जो भी करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जब देखा तो ऐसी जो टिकट काउंटर है, यहाँ पे 3-4 टिकट काउंटर बने हुए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि सब लोगों का यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। और ये देखिए वो भाई साहब तीन से डेस्क लेके निकल चुके हैं। ये भाई साहब बहुत काफ़ी तेज चलाते हैं। ये देखिए मेरे सामने ये भी गाड़ी जा रही है, इसके ऊपर बैठा के समुद्र के किनारे किनारे चलाते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ से टिकट लेनी होगी, फिर आपको बोट चूज़ करनी होगी कि मुझे कौन से बोट के अंदर बैठना है। ये भाई साहब देखिए कितनी तेज़ी से जेट स्की चला रहे हैं। ऐसे यहाँ पे अलग अलग काफ़ी बोटें हैं और काफ़ी लोग बोट के अंदर बैठे हुए भी हैं। अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है कि बनाना बोट में जाइए, तो जिन लोगों ने बनाना बोट के लिए टिकट ली होगी शायद उन लोगों को जो अभी यह बोट है उसके अंदर बैठाते होंगे, फिर आगे ले जाएंगे।
और ये जो आप चीज देख रहे हैं, जब आप समुंदर में नहा नहा के थक जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपको जो अच्छा पानी होता है, साफ पानी होता है, उनसे नहाने की सुविधा की हुई है और पर पर्सन 50 रुपये इसकी एंट्री फी है। छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पे नहा रहे हैं, समुंदर में एंजॉय कर रहे हैं। छोटे बच्चे तो छोड़िए, मगर यहाँ पे जो बड़े लोग हैं वो भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और एक बोट फिर जाने के लिए तैयार है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कितनी अंदर तक जाती है, और जिसको भी बोट में बैठना होता है उन सभी को लाइफ जैकेट पहनाया जाता है। और यह है इसका टिकट काउंटर। ये चीज़ मुझे बच्चों के लिए अच्छी लगी, हवा में ऐसे उछाल रहे हैं, तो यहाँ पे इस खेलने की चीज़ में बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है। और ये देखिए दूर एक बोट के पीछे एक दूसरी यहाँ पे जो बोट होती है उसे बांधा हुआ है और उसके अंदर आदमियों को बिठा के ऐसे चलाते हैं, और वो देखिए कैसे घूम रहा है। ये यहाँ का बार है, यहाँ पे 3-4 बार ही बने हुए हैं। नागवा ब्रिज के अंदर इतने सारे बार है नहीं, बार सारे हैं वो दीव सिटी के अंदर है। नागवा ब्रिज के अंदर 2 से 4 बार ही बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो यहाँ का एयरपोर्ट है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर टाइम।